हाँ एवरीवन, तो फाइनली ड्रीम क्रिकेट 24 मैंने अपडेट आ चुका है जो कि मेगा अपडेट है ड्रीम क्रिकेट 25 का। इसमें कौन कौन से फीचर नए अपडेट हुए हैं, कौन कौन से नया फीचर आया है, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं डाउनलोड। ये अपडेट है जो है 346 MB का है। हम इस अपडेट का फुल रिव्यू देखेंगे क्या क्या नया फीचर ऐड किया गया है इस अपडेट में। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 346 MB का यह है अपडेट आया है जो कि ड्रीम क्रिकेट 24 था पहले, अब हो चुका है ड्रीम क्रिकेट 25 का नया अपडेट आ चुका है। ये बहुत बड़ा अपडेट है, इसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो इसको हम हो जाने देते हैं डाउनलोड, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से नया फीचर्स यहाँ पे हमारे ड्रीम क्रिकेट 24 में यानी अब ड्रीम क्रिकेट 25 में आया है। तो देखो इसको डाउनलोड हो जाने दो। देखो डाउनलोड हो चुका है हमारा गेम। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन सा नया फीचर्स आया है हमारे गेम में। तो सबसे पहला कौन सा नया फीचर आया, ग्राफिक अपडेट। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिक अपडेट बहुत सारा आया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बैकग्राउंड चेंज है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं ग्राफिक चेंज है जो कि काफ़ी ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक चेंज है जो कि पहले नहीं था। यहाँ पे प्लेयर के नीचे भी जो प्लेयर का बैकग्राउंड होता है वो भी वहाँ पे भी यहाँ पे ग्राफिक चेंज हुआ है। तो दूसरा क्या है, मोर बैटिंग स्टार्ट्स, जो कि आप खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से बैटिंग स्टार्ट है। और तीसरा है हिंदी कमेंट्री। तो हिंदी कमेंट्री के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो कमेंट्री लैंग्वेज है यहाँ पे आप इंग्लिश जो कि डीसी कमेंटेटर है ड्रीम क्रिकेट और जो हिंदी है वो जितिन सप्रू, आपको जितिन सप्रू की आवाज़ में हिंदी कमेंट्री मिलेगा देखने को, यहाँ पर देख सकते हैं। गेम होने की पूरी उम्मीद है, तैयार रहिए धमाकेदार एक्शन के लिए, ने को तैयार। आ देखें जरा किसने कितना ऐदम, खूबसूरत कवर ड्राइव और बॉल सीधा बाउंड्री तक। तो आपने हिंदी में कमेंट्री देखा सुना जो कि जितिन सप्रू की आवाज़ में था वहाँ पे, जो कि नया फीचर ऐड किया गया है ड्रीम क्रिकेट 25 में। तो उसके बाद क्या है, हिंदी कमेंट्री के बाद मैनुअल फील्ड सेटअप। यहाँ पे मैं एक गेम स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो यहाँ पे दिखा रहा है वहाँ पे आप फील्ड सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे जो एडिट करके पावर प्ले वन पे मैंने क्लिक किया, वहाँ पे एडिट करने के बाद मैं एक फील्ड सेटअप करता हूँ, बहुत अच्छा वाला फील्ड सेटअप करता हूँ जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको प्लेयर के SAR पे क्लिक करना है और जहाँ पे डार्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पे अगर आप जहाँ पे प्लेयर को सेटअप करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ जहाँ डार्ट दिख रहा है वहाँ प्लेयर को अपने रख सकते हैं। तो मैं भी रख लेता हूँ। सबसे पहले आपको SAR पे क्लिक करना है प्लेयर पे, उसके बाद जहाँ भी आपको प्लेयर को पुट करना है वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं प्लेयर को। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप प्लेस कर सकते हैं। तो देखो इसके बाद सेव कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही जगह पे कितने प्लेयर आपको दिख रहे हैं, काउंट करके बताओ कमेंट में। तो देखो यहाँ पे फील्ड सेटअप वाला भी सेटिंग बहुत अच्छा है, अगर आप मल्टीप्लेयर करते हैं तो इसका एडवांटेज आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अगर आप फील्ड के सेटअप के हिसाब से आप अगर अपना बॉलिंग करते हैं तो आपको विकेट मिलने के चांस जाते हैं। तो फील्ड सेटअप का जो मैनुअल फील्ड सेटअप है ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट है ड्रीम क्रिकेट 25 में। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट कौन सा है इनबॉक्स में देखते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट कौन सा है हमारा, वो है हमारा हिंदी कमेंट्री हो गया, और उसके बाद मैनुअल फील्ड सेटअप हो गया, और फेयर प्ले सिस्टम हो गया, यानी आप अगर मैच जीतते हैं तो आपको पॉइंट मिलता है और हारते हैं तो क्या मिलता है, आपको पॉइंट नहीं मिलता, डिक्रीज होता है। उसके बाद ड्रीम लीग है। ड्रीम लीग क्या है, एक नया है ड्रीम लीग, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजन 1 है यहाँ पे। इसमें कुछ अगर आप खेलते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड भी मिलता है। रिवार्ड के सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से रिवार्ड, यहाँ पे आपको टी शर्ट भी मिलते हैं, न्यू जर्सी भी मिलती है, और यहाँ पे ये सभी है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट क्या है हमारा, ड्रीम लीग है वो आप देख सकते हैं, ड्रीम लीग तो आप जानते ही हैं। उसके बाद जो है ये ड्रीम पास आया है यहाँ पे, जो ड्रीम क्रिकेट 25 है इसमें ड्रीम पास आया है। अगर जो BGMI पबजी खेले होंगे उसको पता होगा रॉयल पास की तरह बिल्कुल सिमिलर है रॉयल पास की तरह, यहाँ पे ड्रीम पास है, यहाँ पे एक फ्री पास है जो कि अगर आप मैच खेलते हैं तो आपको मिलता है, प्रो पास अगर आप 599 जेम्स का खरीदते हैं तो आपको प्रो पास मिलेगा, जैसे रॉयल पास होता है हमारे BGMI में उसी प्रकार से इसमें क्या है प्रो पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रो पास में कोई ज़्यादा रिवार्ड है और फ्री पास में थोड़ा कम रिवार्ड है, लेकिन अगर आप खेलते हैं फ्री पास में भी तो आपको भी रिवार्ड मिलते हैं, लेकिन प्रो पास अगर आप लेते हैं तो कुछ ज़्यादा रिवार्ड मिलता है। उसके बाद क्या है, प्लेयर रिवॉल्यूशन आप जानते हैं बहुत सारे नए नए प्लेयर्स ऐड किए गए हैं हमारे ड्रीम क्रिकेट 24 के ड्रीम क्रिकेट 25 के नए अपडेट्स में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो
नए नए कौन से प्लेयर अपडेट ऐड किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंबादी राइडू ऐड किया गया है, यहाँ पे जी अंबादी राइडू ऐड किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लेयर ऐड किए गए हैं, केदार जाधव भी ऐड किए गए हैं जिसके SAR 90 है, 90 है। उसके बाद कौन सा फीचर है, ये फ्रेंड सिस्टम का अपडेट है, फ्रेंड सिस्टम का फीचर जो ऐड किया गया है। मैंने अगर आप जो मेरा लाइव स्ट्रीम देखते होंगे, मैंने कहा था कि अगर ये वाला फ्रेंड सिस्टम वाला अपडेट ऐड होता है तो काफ़ी अच्छा होता है, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है फ्रेंड सिस्टम वाला। तो जैसे ही आप यूजर आईडी डालेंगे अपने फ्रेंड का, जैसे कि मैं अपना यूजर आईडी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना यूजर आईडी पट करता हूँ, यहाँ पे इंटर करता हूँ, इसके बाद सर्च करता हूँ। तो देखो ऐसे आप किसी का भी यूजर आईडी यहाँ पे करके सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड फ्रेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट, तो मैं अपने आप को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता हूँ, अगर मैं दूसरे को भेजूँ तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा। तो ये है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर ऐड हुआ है हमारे ड्रीम क्रिकेट 25 में। उसके बाद क्या है, डेली रिवार्ड, डेली रिवार्ड तो पहले भी था, कुछ नए डेली रिवार्ड ऐड हुए हैं और एडिशनल अपडेट जैसे कि बग फिक्स हुआ है और सारे इमोजी ऐड हुए हैं, जैसे आप टेस्ट करते थे वैसे बहुत सारे ऐड हुए हैं यहाँ पे। तो ये है हमारे ड्रीम क्रिकेट 25 का नया अपडेट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।